जबरे को सीखने की चाहत थी उसके अंदर, तो उसको ना एक रेडी जो ठेला लगाने वाला सब्जी फ्रोज था ना वो उसको मिल गया। उसे पता चला कि इसको कुछ ना कुछ जो है ना वो जबरे का पता है, तो वो उसके पास रहा, उससे जबरा सीखा। उसने कहा कि मैं मजीद इस इलम में ना आगे बढ़ना चाहता हूँ, मेरा शौक है इसके अंदर। तो उसने कहा कि आप इसके बाद जो है ना मेरा जो इलम ख़त्म है, मजीद आपने जो इलम हासिल करना है तो आप जो है ना वो किसी लाइब्रेरी की तरफ से आए। उस वक्त लाइब्रेरी जो थी वो हैंड रिटन बुक्स होती थी, हाथ से लिखी जाती थी। तो उस इलाके के बादशाह के पास जो है ना उसी के पास वो लाइब्रेरी होती थी, तो उसी का कब्जा होता था। तो वो कहता जी बादशाह के पास चले जाएँ, तो बादशाह जो है ना वहाँ से आपको बुक्स मिल जाएंगी और वहाँ से आप अपना इलम जो है ना आगे लेके आप पढ़ सकते हो। तो वो कहते हैं बादशाह के पास मैं कैसे जाऊँ। खैर अल्टीमेटली उसको खबर मिलती है कि जो बादशाह है ना, बादशाह वक्त है, वो बीमार है, उसको फ्लेंच की बीमारी है, बड़ी आंत का उसका मसला है, तो वो ठीक नहीं हो रही। उसने ऐलान कर दिया कि जो बंदा भी इस बीमारी का इलाज मेरे लिए लेके आएगा ना उसको मैं मुँह मंगा नाम दूँगा। अब ज़ाहिर है कि उसने फोकस कर लिया कि मैंने जो है ना वो अलजबरे में जो है ना एक्सपर्टीज गेन करनी है। तो अब वो उस बादशाह के इलाज के लिए जो है ना वो एक हकीम के पास चले जाता है। हकीम के पास जाता है, उससे कई अरसे तक जो है ना वो इलम सीखता है, जड़ी बूटियों का इलम सीखता है। अल्टीमेटली वो मेडिसिन बनाता है, मेडिसिन बना के वो बादशाह के एक्सपेरिमेंट करता है, फिर बादशाह के पास लेके जाता है। कहता है बादशाह आई हैव योर ट्रीटमेंट। उसको वो ट्रीटमेंट मिलती है, बादशाह ठीक होता है। तो बादशाह उसे पूछता है जी क्या चाहिए आपको। तो वो कहता है जी कि मैंने जो है ना आपकी लाइब्रेरी की एक्सेस चाहिए मुझे। और बादशाह कहता है ठीक है मैं एक्सेस दे देता हूँ, लेकिन दो बातें हैं, आपके साथ पास एक साल का वक्त है और आपने इसमें से कोई भी चीज़ कॉपी नहीं करनी, ना लेके जानी है ना लिखनी है कहीं पर, इसके अंदर रहना है, अंदर ही पढ़ना है, कोई चीज़ जो है ना आपने इसको लेके नहीं जाना। वो मान लेता है, एक साल वो एफर्ट करता है, वो लाइब्रेरी के अंदर ही अपनी सारी जिंदगी गुजारता है। एक साल के बाद जब निकलता है तो बादशाह से उसका मुकालमा होता है। तो बादशाह से कहते हैं कि बादशाह सलामत, उसे पूछते हैं कि जी हाँ सुनाओ। कहते जी पूछे, बादशाह पूछा क्या पढ़ा, उसने कहा ये पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा। तो बादशाह परेशान हो जाता है कि अरे ये इसने तो सारी की सारी लाइब्रेरी जो है ना इसने फिक्स कर ली है। बादशाह उसको रोक लेता है, जाने नहीं देता कि ये चलेगा तो मेरा तो इलम जो है ना वो दुनिया में निकल जाएगा। बादशाह की तबीयत ख़राब होती है, बादशाह मर जाता है, उसका बेटा जो उसकी जगह पे आ जाता है। उसका बेटा जो है ना वो भी कहता है कि इसका हमने क्या करना है, इसको छोड़ दो। वो निकलता है वहाँ से निकलता है, फिर वो मज़ीद इलम हासिल करने के लिए वो एट दैट टाइम बगदाद और मिसर यहाँ पे इलम के सेंटर्स थे, सल्तनत बासिया का दौर था। तो वो इलम हासिल करने के लिए बगदाद चले जाता है, बगदाद जाता है, इलम हासिल करता है, 500 से ज़्यादा किताबें लिखता है एट दैट टाइम अपनी ज़बान में। और फिर उसकी डेथ हो जाती है, मर जाते हैं, एट दैट टाइम उसे दुनिया नहीं जानती। तो मरने के बाद फिर उसकी बुक्स को ट्रांसलेट किया जाता है मुख्तलिफ ज़बान में। तो चलते चलते आज वो बच्चा तो नहीं है, लेकिन वो आज की जदीद तिब का बानी है, उसका नाम है बोली सिन्हा। तो उस लड़के ने एट दैट टाइम जो प्लान किया, लाइब्रेरी गया, बुक्स पढ़ी, अपने फ्यूचर प्लान किया, कहाँ पे वो जबरा गेन करने गया, कहाँ पे वो हमारे तबीयात जो फिजिशियन बना, और आज जितनी भी मेडिसन है वो सारी की सारी जदीद मेडिसन का वो पानी है। तो मरने के बाद भी उसका जो इलम है, जो उसका फोकस था, वो आज भी हम जो ना उससे इलम हासिल कर रहे हैं। तो बात वही है कि आपने अपना प्लान करना है तो मरो, और उसके लिए जो है ना आपने आज ही से साल लाइब्रेरी में रहना पड़े, या आपको जो है वो इर्द गिर्द के सिम्टम समझनी पड़े, तो दिस इज जो है ना वो आपका फ्यूचर जो है ना उससे विथ्रो देगा। अक्सर मैं स्टूडेंट अफेयर कमेटी का चेयरमैन हूँ, ज़्यादा कि हमने आपको रिक्वेस्ट की और ये मोहब्बत है